अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज ना दोस्तों मौसम सुबह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह से ही मतलब बारिश हो रही है और अभी शाम का बज रहा है 7:45, देख लीजिए आप लोग। और अभी भी बारिश जो है तो मतलब थोड़ा देर के लिए बंद हुई फिर वापस से शुरू हो गई। तो ऐसा मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसे मौसम में मतलब मैं घर में हम लाइट वीट ऑफ करके और मस्त चादर वादर ओढ़ के टीवी देखे या तो फिर कुछ भी चटपटा खाए या फिर चाय वगैरह गर्मा गर्म चाय वगैरह पिए, तो ऐसा है। तो अभी दोपहर से तो हमारा यही चल रहा था, लेकिन चले फिर अभी हमें करने हैं बहुत सारे काम, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह और ये देखिए कवर ये सब भी करने हैं। और चाय वाय हमारी हो गई है और अभी हमने भेल भी बनाया था तो भेल भी हमने खा लिए हैं। और खाने में हम बनाने वाले हैं सालन रोटी, चिकन का सालन। तो बस बच्चे और आपके भाईजान जो है तो वो गए हैं चिकन लाने। और कल ना मेरी बेटी ने एक कलर बॉक्स लाया था, मतलब वो डब्बी वाला कलर जो ड्राइंग वाला होता है वो, तो वो ना पूरी डिब्बिया उसकी जो है तो सूखी निकली कलर की। तो बस अभी वो लोग वो भी लाने के लिए गए हैं, तो हमने सोचा चले अपना जो ब्लॉग है वो शूट कर लेते हैं। तो मतलब मौसम तो ऐसा था ना, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब तक के मतलब हम आपसे बात ना कर रहे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा है। तो चलिए फिर अभी हम आ गए हैं किचन में और अभी हम बना लेंगे रात के लिए खाना। तो आटा तो हमने लगा कर रख दिया है और चिकन को भी साफ करके और धुल कर रखा है। और आज दोपहर में हम बनाए थे दाल चावल, तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ऐसा है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, तो ऐसा है। और मौसम तो आप लोग ने देख ही लिया कि कितना अच्छा और प्यारा मौसम है। तो अभी हम थोड़ा सा चिकन अलग से निकाल रहे थे क्योंकि बेटी को कल दोपहर में मटर पुलाव बनाना है, तो बस उसमें डाल देंगे 2-4 पीस, तो बस वही निकाल कर अभी हमने ये जो कैरी बैग है उसमें डाल दिया और फ्रीज़र में डाल देंगे। और ये देखिए दूध है जो मतलब हमने बॉईल करके रखा है, तो अभी ये गर्म ही है, तो इसे तो अभी हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो इधर ही रखना पड़ेगा। और आप लोग को तो पता है कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से बहुत मतलब सामान सा हो जाता है और थोड़ा सा खाना वगैरह बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चले अभी हम बना लेंगे हमारा चिकन की सालन। तो प्याज ना हमने थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया था, मतलब हमारा ना थोड़ा सा गोश्त निकालने का इरादा नहीं था, लेकिन आपके जीजू जो है मतलब तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके आए थे और हम तो बस दो ही लोग हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कम भी कर लिया कि कल मतलब मटर पुलाव में काम आ जाएगा, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा उसका, तो ऐसा है। तो अभी हमने कर लिया है प्याज फ्राई और प्याज हम थोड़ा सा निकाल लेंगे बाद में, मतलब थोड़ा सा क्रश करके और सालन में डाल लेंगे तो इसके लिए। और पहले ना मतलब बारिश का मौसम तो हमने आपको बताया ना कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी के घर मतलब शादी से पहला हम बारिश के मौसम में हमें बस एक ही शौक़ होता था, हमें मतलब बुक नावल वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस हम जब भी बारिश आती थी ना, मतलब ऐसे तो पढ़ते ही थे लेकिन जब बारिश आती थी तो जब कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते थे नावल वगैरह पढ़ना, और बहुत मज़ा आता है बारिश के मौसम में, मतलब चादर वादर ओढ़ के बस नावल पढ़ो या फिर इंजॉय करो। तो शादी से पहला मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है हमारी लाइफ का,
और शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज भी आ जाता है, तो ऐसा है। हालांकि मैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरी किताबें वगैरह लाई हूँ, लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि मतलब घर के काम और बच्चे, घर वगैरह मतलब मैनेज करना सब थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बुक वगैरह पढ़ने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो अभी देखिए, अभी हमने मतलब डाला है प्याज, हमारा हो गया था फ्राई, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा निकाल लिया था, और उसके बाद हमने इसमें डाला था टमाटर और हरी मिर्च, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था हमारा चिकन, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया। और चिकन हम जितना अच्छे से भूनेंगे तो हमारा सालन उतना ही टेस्टी बनता है, तो ऐसा है। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। तो मसाले हमारे वही जो गोश्त के मसाले होते हैं, बस वही है, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, और साथ ही मैगी मसाला। और ये देखिए, अभी हमने सब मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और जो थोड़ा सा प्याज हमने फ्राई निकाला था तो उसे हाथों से तोड़कर और इसमें डाल देंगे। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे ग्रेवी आपको चाहिए, तो ऐसा है। और हाँ, इस तरह का मतलब सालन अच्छा टेस्टी बनता है अगर हम गोश्त थोड़ा सा भूनकर बनाए तो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, और पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अभी देखिए, अभी हमारा मसाला वगैरह हमने डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया इसमें, और अभी हम ढक्कन लगा के इसे धीमी आंच पर पका लेंगे। तो जब तक हमारा सालन बनता है, तो एक साइड पे हम तब तक हमारी रोटियां बना लेंगे। और हम जो किताब पढ़ते थे तो उसका नाम है पाकीज़ा आंचल। तो अगर आप में से किसी को पसंद है, मतलब आप में से कोई पढ़ता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी देखिए, अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और कल मतलब रात के बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था, और वीडियो ना लंबा हो जाए इसलिए भी। तो अभी देखिए, अभी हमने कपड़े जो है तो वो लेकर आए हैं, और 2 दिन से हम कपड़े सुखा रहे थे, तो बस वही अभी हम घड़ी कर लेंगे, तय करके रख देंगे। और बेबी देखिए, इसको संभाल कर काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए फिर, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो चलिए फिर, खुदा हाफिज़।